नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तृप्ति रेसिपी में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे घर पे गरम मसाला, जिससे सब्जी का जो टेस्ट है वो दोगुना बढ़ जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 50 ग्राम दालचीनी का टुकड़ा और 50 ग्राम लौंग। दोस्तों, जितना हम गरम दालचीनी का टुकड़ा लेंगे उतना ही हमें लौंग चाहिए, और सेम क्वांटिटी में हमें हरी इलायची चाहिए। पर यहाँ पे मैं थोड़ी सी बड़ी वाली इलायची ले रही हूँ, थोड़ी सी हरी इलायची। आप चाहे तो सिर्फ हरी इलायची ही ले सकते हैं। और 50 ग्राम इसमें जीरा भी डाल सकते हैं, और 50 ग्राम काली मिर्च भी, उससे भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। पर मैं यहाँ पे सिर्फ गरम मसाला डाल रही हूँ। और यहाँ पे लेंगे ग्राइंडर जार, और उसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे लौंग, साथ में हरी इलायची, और सबसे लास्ट में इसमें हम डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा। आप चाहे तो इसे खलबट्टे से थोड़ा क्रश भी कर सकते हैं, मेरे बहुत सॉफ्ट है, बहुत जल्दी आसानी से ग्राइंड हो जाता है। बिल्कुल फाइनल पाउडर बनाना है इसे। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट पाउडर बनकर तैयार हो गया गरम मसाला का। पर मुझे यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसे छलनी के हेल्प से थोड़ा छाल लेंगे, जिससे बहुत बारीक हो जाएगा। और मोटे वाले भाग को एक बार फिर से हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है गरम मसाला। इसे आप एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी सब्जी बनाएं तो एक छोटा चम्मच सबसे लास्ट में डाल दिए, जिससे बहुत अच्छा खुशबू आता है सब्जी का, और टेस्ट भी दोगुना बढ़ जाता है। तो अगर आज की वीडियो आपको छोटी सी पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो के नीचे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।